और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हरेली पहुंचे, जहां मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के पूबोवाल में आयोजित 70वें वन महोत्सव में हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। दरअसल ऊना जिले में वन विभाग की तरफ से इस साल 50 हेक्टेयर जमीन पर तकरीबन 3 लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं। इसके चलते इस मौके पर औषधीय और फलदार पौधे भी वितरित किए गए। जहाँ जहाँ पेड़ लगे हुए हैं वहाँ डेवलपमेंट की जरूरतें करने के लिए बहुत बड़ी परमिशन की जरूरत होती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्योंकि पेड़ नहीं है तो डेवलपमेंट करने के लिए जगह ही जगह है। जितना भी विकास करना है उसके लिए कोई ज्यादा अड़चने नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें पेड़ कैसे लगाने हैं उस पे काम करना है। और आधिकारिक तौर पे तो ये कहते हैं पेड़ नहीं है, लेकिन अवैध काम के लिए पेड़ ही पेड़ है। वो पता नहीं अब कहां से आते हैं, एसपी साहब भी यहां पे बैठे हुए हैं। एक तो मैं विभाग से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो साइट जो हमने चुने हैं, डीसी साहब भी यहां बैठे हैं, हमारे चीफ इंजीनियर भी यहां पे बैठे हैं पानी के, और कंजर्वेटर साहब भी बैठे हैं, तो कम से कम इस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है, कम से कम एक पर्टिकुलर जगह ही डेवलप कर दी जाए। तो उसके लिए आप कोई मास्टर प्लान से काम करें। पीछे हमारे एसी साहब पानी वालों ने कहा था कि इसको डेवलप करने के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए सिर्फ तालाब के लिए, हमने 2 करोड़।